तो गाइज आपको अगर इंदौर से डायरेक्ट रामेश्वरम जाना है तो घबराने की जरूरत नहीं, लक्ष्मीनगर स्टेशन पे आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर इंदौर जंक्शन नहीं जाएंगे तो लक्ष्मीनगर स्टेशन पे मिल जाएगी और ये जाएगी सुबह 5 बजे। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, और शेयर करिएगा ताकि आप दूसरों को भी ये सूचना। तो हाय वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को लक्ष्मीनगर स्टेशन दिखाने आया हूं और यहाँ ये बताने आया हूं कि यहां से कौन कौन सी ट्रेन जाती है, क्योंकि यहां से इंदौर के आसपास जितने भी लोकल स्टेशन हैं वो यहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी। तो अपन देखेंगे यहाँ से कौन कौन सी ट्रेन जाती है, क्या टाइमिंग है और टिकट घर कहाँ पर है, वहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा स्टेशन है। क्योंकि इंदौर का जो इंदौर जंक्शन है वो तो हमने पहले आप लोगों को बता दिया है और यहाँ पर एक दो ही प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे, तीन प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे। ये लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन है और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3। और ये जो ट्रेनें खड़ी हैं जैसे दादर, मुंबई सेंट्रल, ये सब वीकली चलने वाली ट्रेनें यहाँ पर खड़ी रहती है और शायद यहाँ रुकती भी होगी। हम बाकायदा यहाँ पर एकदम जानकारी लेंगे, अगर कोई बताने वाला का बताने वाला, नहीं तो चार्ट तो लिखा ही रहता है। तो हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। मैंने सोचा यार कि मैंने आप लोगों को इंदौर जंक्शन तो दिखा दिया, ठीक है, और इंदौर जंक्शन से प्लेटफॉर्म दिखा दिया और ट्रेन वगैरह कौन सी जाती है, शायद थोड़ी बहुत, ज़्यादा मुझे बिल्कुल पता नहीं, बट मैंने सोचा कि लक्ष्मीनगर स्टेशन छोटा रेलवे स्टेशन है और आसपास के जितने भी रहवासी है सब यहाँ से उज्जैन, देवास, रतलाम, यहाँ से आप लोगों को ट्रेन मिलती है। तो हम देखते हैं कितनी बजे, टाइमिंग क्या है। और रेलवे स्टेशन तो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बट अभी बारिश हुई थी तो बारिश के कारण आपको गीला लग रहा है ना, तो शौचालय की व्यवस्था तो आप देख ही सकते हैं कि सामने शौचालय घर बना हुआ है, मतलब निशुल्क वाला है ये। और बताएं, हम छोटे थे जब हमारे गांव की ट्रेन यहीं से मिलती थी और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलती थी हमको और हम जाते थे, और कहीं भी कचरा ना फेंके, डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पर। और पानी पीने की सुविधा तो हर स्टेशन पर रहती है, प्लेटफॉर्म पर रहती है, ऐसे ही जैसे मतलब अभी लक्ष्मीनगर रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी पीने की व्यवस्था भी है। और ये खाने पीने नाश्ता कॉर्नर जो है ये अभी बंद है, बट ये ओपन रहता है, सुबह तो ज़रूर ओपन रहता है क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती है। और देखिए अभी यात्रीगण ट्रेन का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये सबसे पुराना मतलब प्लेटफॉर्म है, तो है ना यहाँ पर है ना ये ऊपर बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और ऊपर टीन रखा हुआ है, मतलब टीन लगा हुआ है जिससे कि धूप में, बारिश में आए तो हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो यहाँ पर एक और पुल बन गया, यहाँ पर ये पुल, ठीक है। तो मतलब अगर आपको जाना है, उस पार जाना है, तो आपको रेल की पटरी पार करके नहीं जाना है, आपको ब्रिज से जाना है, ऊपर चढ़ेंगे और आप उस तरफ फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाएंगे। और यहाँ पर जो भी ट्रेन वगैरह आती है और ये गाड़ी चलती है तो नाश्ते वगैरह के लिए जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कचौरी, समोसा, आलू वड़ा, पोहा, चाय, मिनरल वाटर, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट, बेकरी, कन्फेक्शनरी उत्पाद, ये सारी चीज़ें, और रेट भी लिखा हुआ है, रेट वगैरह लिखा है 10 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, ये फिर MRP के हिसाब से फिर 20 रुपये जनता खाना ऐसा। तो ये तो रही प्लेटफॉर्म की जानकारी कि प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सुविधा है, और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जहाँ पर है टिकट काउंटर, ठीक है। तो हम टिकट काउंटर देखते हैं कैसा क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनों की टिकट मिलती है। टिकट तो वैसे हर स्टेशन पे कोई सी भी, आपको कहीं भी जाना हो तो वो टिकट मिल जाती है। तो हम पटरी पार करके उस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इससे, ठीक है, ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और उस तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी।
तो हम उस तरफ उस पर से चढ़ के इधर आ गए और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के लिए अगर आपको, तो जिधर से मैं आया क्योंकि मुझे उधर से पास पड़ा इसलिए मैं उधर से आ गया, और मैं आया हूँ बाणगंगा की तरफ से। बाणगंगा इधर से नज़दीकी है जहाँ मैं, मेरा रहवासी क्षेत्र है, और हम बचपन से ही इसी तरफ से हम आए हैं। जब तक ये पुल नहीं बना था पहले इधर का, और यहाँ पर ये मंदिर है भैरू बाबा का, बजरंगबली का, माता जी का, और जो भी बाणगंगा तरफ रहता है, सांवेर तरफ रहता है, वो इस तरफ इसी रोड से लक्ष्मी नगर स्टेशन के लिए जाता है क्योंकि इधर से बाणगंगा रहवासियों को पास पड़ता है। तो ये दो रास्ते हैं, आप बाणगंगा से भी आ सकते हैं लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन। पहले है ना, वो वहाँ से सिड़ाव था आगे से, वो सिड़ाव टूटे है ना, वहाँ से सिड़ाव था, ये इधर नया बन गया है, पर अच्छा हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर। साफ सफाई के मामले में काफ़ी बेटर है लक्ष्मी नगर स्टेशन, और ये इंदौर का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है, मतलब कहे तो इंदौर जंक्शन और ये लक्ष्मी नगर। अगर आप इंदौर जंक्शन से अगर ट्रेन छूट गई हो तो अगर यहाँ रुकती हो तो आप लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और ये पुराना पुल है, वो अभी नया पुल बना था, ये सबसे पुराना पुल है। जैसा कि अभी बारिश हो रही थी तो यहाँ पर पानी भर गया, बट आने वाले समय में शायद इसको भी पुनः निर्माण कर दिया जाएगा, इसका भी तो अच्छा हो जाएगा, या ये जो टाइल्स रेड वाली लगी हुई है ये लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए नीचे ट्रेन बहुत सारी खड़ी है, पुणे, महाराष्ट्र, सोमनाथ, जबलपुर, इंदौर, ये सब ट्रेन यहाँ पे मतलब खड़ी रहती है, इनका जब जब वीकली चलने वाली ट्रेनें होगी, इसलिए मुंबई सेंट्रल, दादर, गुजरात। अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आना चाहते हो और आप इस विजयनगर से आ रहे हो, मरीमाता तरफ से आ रहे हो, और तो ये रास्ता बेटर है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने का डायरेक्ट। जैसे कि आप भगीरथपुरा से आ रहे हैं, एरोडम से आ रहे हैं, चिमनबाग से आ रहे हैं, और कई मतलब बड़े स्टेशन से भी आ रहे हैं आप इंदौर के जंक्शन से, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ऑटो की सुविधा तो हर स्टेशन पर रहती रहती है, तो ये ऑटो की सुविधा है, और यहाँ पर ये छोटा टेम्पू भी चलता है जो 10-15 रुपये शेयरिंग ऑटो वाला, और यहाँ पर 2-व्हीलर पार्किंग की भी है और 4-व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था है। जन सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है ना, पब्लिक टॉयलेट, और ये है 2-व्हीलर पार्किंग का, तो आप गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए सेफ जगह है यहाँ पर, बहुत ही मतलब अच्छी व्यवस्था है लक्ष्मी नगर स्टेशन पर। अब हम चलते हैं टिकट घर के अंदर, और ये है टिकट घर, ठीक है। तो टिकट काउंटर है, तो ये है लक्ष्मी नगर का टिकट काउंटर, महिला और पुरुष, और जब भी ट्रेन आती है तो ये ओपन हो जाता है, हालांकि अभी बंद है। ये इंदौर से कोटा जाती है और कोटा से इंदौर आती है, और इसका टाइमिंग है 2 बजे का, मतलब ये 2 बजे आ जाती है इंदौर जंक्शन पे। ये है कोटा इंदौर, तो ये अभी लक्ष्मी नगर स्टेशन पर रुकी है, बट वैसे रुकती नहीं है, ठीक है, बट ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ रुकी है, तो ये तो अभी इंदौर जंक्शन पास में ही है, इस लक्ष्मी नगर स्टेशन से इंदौर जंक्शन पास में ही है, मतलब आने वाला स्टेशन इंदौर जंक्शन ही है, ठीक है। और ये है समय सारणी और गाड़ी, देखिए पैसेंजर इंदौर मक्सी, ठीक है, 5:24 पर चलती है, प्रस्थान करती है 5:25 पे प्रतिदिन, मतलब रोज डेली जाती है ये। इंदौर नागदा 8:12 पे आती है और 8:13 पे प्रतिदिन रवाना हो जाती है। डेमू पैसेंजर रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर, ये चलती है 12 बजे से, और 12 बजे मतलब आपको
यहाँ पर आना पड़ेगा और ट्रेन मिल जाएगी, प्रतिदिन चलती है, ठीक है। डेमू पे से रतलाम डॉक्टर और फिर पैसेंजर इंदौर से उज्जैन 6:08 पर प्रतिदिन यहाँ पर आती है और 6:09 पर निकल जाती है। डेमू पैसेंजर रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर 9:26 पर यहाँ पर आती है और 9:28 पर निकल जाती है प्रतिदिन, मतलब रोज़ाना आती है ये ट्रेनें। रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर डेमू पैसेंजर ये भी गाड़ी, वो ये भी 9:30 आती है और निकल जाती है 9:30, मतलब एक एक दो दो मिनट यहाँ पर रुकती है और निकल जाती है। डेमू पैसेंजर रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर ये दिन में 3:16 पर यहाँ पर आती है और 3:18 पर निकल जाती है, रतलाम जाती है ये ट्रेन अभी जैसे कि आने वाली है। और एक्सप्रेस जोधपुर इंदौर ये रात को 10:40 पर आती है और 10:41 पर निकल जाती है, मतलब एक मिनट रुकती है और फिर निकल जाती है, मतलब रोज़ाना प्रतिदिन। रामेश्वरम अजमेर ये ट्रेन वीकली चलती है। तो हाँ, किराया लिखा हुआ है, द्वितीय श्रेणी यात्री किराया सूची लक्ष्मीबाई नगर, पाल्या 10 रुपये, बालोदा टाकुन 10 रुपये, अजनोद 10 रुपये, फतेहाबादगंज 10 रुपये, लेकोड़ा, या लेकोड़ा मेरा गांव भी है हर, बट यहाँ पर इसका लिखा हुआ नहीं, शायद वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती है, ट्रेन जाती नहीं, पहले जाती थी ट्रेन उज्जैन फतेहाबाद उज्जैन देवास होते हुए जाएगी, 20 रुपये किराया इसका। ओसरा 10 रुपये, गौतमपुरा रोड 15 रुपये, पीर झालर 20 रुपये, और ये 10 रुपये भी है साधारण बालक का किराया। ना बड़नगर 20 रुपये, रूनीजा 25 रुपये, रतलाम व्या फतेहाबाद 30 रुपये, जावरा 35 रुपये, मंदसौर 45 रुपये, नीमच 55 रुपये, चित्तौड़ 65 रुपये, इंदौर 10 रुपये, लोकमान्य नगर 10 रुपये, राजेंद्र नगर 10 रुपये, राव 10 रुपये, अंबेडकर नगर 10 रुपये। और इधर है बड़वाह भी, यहाँ से ट्रेन मिलती है, उसका किराया है 20 रुपये, ओंकारेश्वर रोड 25 रुपये, सनावत खंडवा भी पहले चलती थी या शायद अभी भी चलती हो, और मांगलिया गांव जो देवास रूट पे आता है मांगलिया गांव 10 रुपये, बरलई 10 रुपये किराया इसका भी, और बीजाना 10 रुपये, देवास ट्रेन किराया 10 रुपये, उंडासा माधोपुर 15 रुपये, कड़छा 20 रुपये, नागदा 30 रुपये, रतलाम व्या देवास 40 रुपये, सुजालपुर 40 रुपये, मतलब सुजालपुर की भी यहाँ से ट्रेन आपको मिल जाएगी। कोटा 75 रुपये, मथुरा 120 रुपये, ब्यावरा राजगढ़ 50 रुपये, गुना 70 रुपये, पचोर रोड 45 रुपये, मक्सी 20 रुपये, डोंटा 20 रुपये। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको पूरी रेट लिस्ट भी बताई है, तो ये सारी ट्रेनें आपको लक्ष्मी नगर स्टेशन पे मिल जाएगी। और ये ट्रेन इसलिए रुकी थी क्योंकि क्रॉसिंग हो रहा था इस ट्रेन का, ये इंदौर जंक्शन से आ रही है, इंदौर राजेंद्र नगर पटना, ये पटना जाएगी, मतलब हर ट्रेन यहाँ से गुजरती है बट रुकती बहुत कम ट्रेनें हैं, जो लोकल ट्रेनें वो ही रुकती हैं यहाँ पर। नोट, टिकट वापस करने पर 30 रुपये प्रति यात्री लेखन शुल्क काटा जाएगा, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों का आधा टिकट लगेगा। तो ये हो गई है पूरी ट्रेनों की लिस्ट कि कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से आपको मिलेगी। अगर आपको टिकट कैंसिल करनी है तो यहाँ पर पूरा उसका विवरण में लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, आरक्षित कंप्यूटरकृत टिकट खिड़की, यहाँ सभी श्रेणी के आरक्षित टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट मिलते हैं, कृपया खुले में, ये सारी चीज़ें सूचना आपको मिल जाएगी लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये भी एक्सप्रेस इंदौर जोधपुर 4:30 आपको मिलेगी प्रतिदिन, यहाँ से मिलती है ट्रेन, ट्रेन का नंबर भी लिखा हुआ है, और आप टिकट तो हाथों हाथ आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे, और आप
करवा भी सकते हैं रिजर्वेशन। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है पूरा, और प्लेटफॉर्म नंबर एक पर भी वैसी सुविधा है जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे है सेम। और यहाँ पर ही पूरे रेलवे के ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन लक्ष्मीनगर रेलवे स्टेशन का ऑफिस है। तो ये यहाँ पर लोकल ही जो ट्रेनें रुकती है इस स्टेशन पर, तो इसलिए वेटिंग रूम यहाँ पर नहीं है वेटिंग रूम के लिए, इसलिए मतलब ये बाहर ही बने हुए हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है, छाँव में जो ये टीन टप्पर लगा हुआ है। और टिकट घर पे भी बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। वैसे कभी कभी यहाँ पर और जो बाहर की जो ट्रेनें हैं वो भी रुक जाती है, जिसके जिसका मतलब यहाँ पर परमिशन नहीं है उसका भी रुकना पड़ता है, वो कभी सभी रुकती है, ठीक है। पर रोज़ जो प्रतिदिन ट्रेनें चलती है वो तो आप लोगों को बता ही दिया है मैंने। अगर और भी आपको अगर जानकारी चाहिए लक्ष्मीनगर स्टेशन की, अगर या मेरे मेरे ध्यान से अगर कुछ छूट गया है तो आप बता दीजिएगा, तो मैं फिर दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। और बाकायदा वैसे कि इंदौर रेलवे स्टेशन का, तो इंदौर जंक्शन का वीडियो तो मैंने पूरा बना दिया, मैंने आप लोगों को बता दी थी कौन सी ट्रेन है, और यहाँ पर भी बता दिया मैंने, पूरा एक चार्ट पे लिखा था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी और क्या रुपए किराया है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और शेयर करिएगा ताकि आप दूसरों को भी ये सूचना दे सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक अपना ख्याल रखा, बाय बाय। अगर कुछ भी प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है, तो बुझाने के लिए बाल्टी में रेत वगैरह रहती है, ठीक है, तो आप ये इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ दुर्घटना, वैसे तो कोई दुर्घटना तो होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब सेफ्टी के हिसाब से रहते हैं। वैसे लक्ष्मीनगर स्टेशन के पास आप रहना तो वैसे पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति आता है रुकता है जिसका घर हो और जो आसपास ही रहता हो, ठीक है, तो यहाँ पे आसपास इसलिए होटल आपको एक भी नहीं दिखेगी, सब रहवासी क्षेत्र है ये पूरा। और आपको कुछ खाने पीने की नाश्ता करना हो तो यहाँ पे होटल्स वगैरह अवेलेबल है ना, नाश्ते की होटल है, ठीक है, और आपको चिप्स वगैरह खानी हो ये सारी चीज़ें व्यवस्था है। और आपको कहीं जाना है लक्ष्मीनगर रेलवे स्टेशन से तो ऑटो की सुविधा है, और रेट आपको जहाँ जाना है वहाँ पर वहाँ का रेट ये आप लोगों को बता देंगे, वही किराया होगा। तो ये इतनी ही जानकारी मुझे यहाँ तक लगता है, अगर कुछ छूट चुका है तो आप ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ये बताई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खाने की नाश्ता कॉर्नर है, तो वो अभी पहले बंद था, तो अब यहाँ पर ये खुल चुका है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, ठीक है। तो अभी ट्रेन आने वाली है, तो गाइज़ यहाँ से 2 ट्रेन आने वाली है, एक आने वाली है यहाँ से इंदौर जंक्शन से रतलाम जाने के लिए जो कि लोकल यहाँ पर रुकेगी, और एक और ट्रेन आने वाली है जो रतलाम से आने वाली है, वो जाएगी अंबेडकर नगर महू के लिए, अभी क्रॉसिंग होगा, और ये 3:15 पर ट्रेन यहाँ पर आएगी। तो गाइज़ अगर आप लोगों को चित्तौड़ जाना है और आप लक्ष्मीनगर स्टेशन पर आ चुके हैं या आसपास रहते हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं इंदौर जंक्शन पर जाकर नहीं ट्रेन में बैठ सकता और लक्ष्मीनगर जाके जाऊंगा तो क्या मुझे ट्रेन मिल जाएगी, हाँ आपको चित्तौड़ जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और मैं समय बताता हूँ। तो इस चित्तौड़ जाने के लिए 6:00 आपको इस स्टेशन लक्ष्मीनगर स्टेशन पर आना पड़ेगा, जो आपको ट्रेन मिल जाएगी। और 2 ट्रेन मतलब आती है, और एक दिन में आती है जो 3:00 अभी शायद निकल चुकी है, 3 से ज़्यादा बज चुके, जो चित्तौड़ जाती है इंदौर से डायरेक्ट चित्तौड़ के लिए। और है अब इंदौर से आपको अगर जोधपुर जाना है तो जोधपुर के लिए भी आप इंदौर जंक्शन नहीं जा सकते, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीनगर स्टेशन पर आपको जोधपुर के लिए भी मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको जोधपुर जाना है तो आपको 4:00 मतलब 4:00 आपको आना पड़ेगा लक्ष्मीनगर स्टेशन, क्योंकि 4:30 यहाँ से ट्रेन रवाना हो जाती है जोधपुर के लिए, मतलब आपको 4:30 आना ही पड़ेगा, मतलब आधे घंटे तो पहले स्टेशन पहुंच ही सकते हैं, तो आपको 5:00 ट्रेन मिल जाएगी यहाँ से लक्ष्मीनगर स्टेशन से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए। जय जय श्री राम, जय भोले बाबा।